हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम बैक टू माय चैनल यूबी ब्लॉगर पहल की दुनिया में स्वागत करती हूँ आप सबका। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली हमेशा सबके जीवन में रोशन और उजियारा ऐसे ही लेके आए, सब खुश रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। तो यहाँ पे मैं शाम के पूजा की तैयारी कर रही थी, अपने मंदिर को सजा रही थी। सारा काम तो मैं एक दिन पहले ही कर ली थी, एक दिन दो दिन, लेकिन मंदिर को तो दिवाली के दिन ही सजाती हूँ। और यहाँ पे मेरे भाई दोनों गुलाब जामुन बना रहे थे, गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रहे थे और मैं मंदिर को सजा रही थी। मंदिर को सजाने के लिए मैं ये ले आई थी, मोटे मोटे लटकन। ये बहुत अच्छे लगते हैं मंदिर में लगाने के लिए, ऑफिसली ये मंदिर में लगाने के लिए ही लाई थी मैं। और तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसको लगा लगा के देख रही हूँ कैसे अच्छा लगेगा कैसे नहीं। और ये दोनों हैं गुलाब जामुन बना रहे थे, और बाद में मैं इसको तल के, इसको सीरा में बना के रख ली हूँ, बस खाली इसको बना के तल के इसमें डाल दूँगी इस सीरे में। तो इन लोगों से बोली तुम लोग बनाओ, और उसके बाद बड़े सब काम तो हो ही गया, बस खाली ये मंदिर में फूल लगा देती हूँ। फूल लगाने के बाद मंदिर का सारा तैयारी मैं कर लूँगी, बस खाली पूजा करना रहेगा शाम को मुझे। तो ये फूल कुछ इस तरीके से मैं लगा लगा के सजाऊंगी। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर आगे ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कैसे मनाएं दिवाली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस तरह से अपने मंदिर को सजाएं। मेरा तो कुछ इस तरीके से अब की बार था। और यहाँ पे देखिए, ये लगभग गुलाब जामुन भी बन के तैयार हो चुका है। ये लोग जितना बनाए नहीं उतना उससे ज़्यादा मेरा। तो दोस्तों, हमारी दिवाली की पूरी तैयारी हो चुकी है, साफ़ सफाई कर ली हूँ मैं, और मंदिर को भी मैं अपने बहुत अच्छे तरीके से सजा दी हूँ। ये देखिए, पूजा में क्या क्या चढ़ाया जाता है सब कुछ मैं रख दी हूँ, बस खाली बैठ के पूजा करना रहेगा। ये है झाड़ू और ये है तिलक और हार है भगवान जी को लगाने के लिए, और ये है धान से जो बनता है लावा, और चावल, हल्दी, धनिया जो भी होता है वो सब रखी हूँ। और सबसे स्पेशल चीज़ मैं ये देखो, दो हाथी लाई थी और यहाँ कमल का फूल है। हाथी लाई थी ऐसे साइड में रखने के लिए, क्योंकि हाथी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो इसलिए। और ये हमारी लक्ष्मी माता हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं हवन करने के लिए लकड़ी भी रख दी हूँ सजा के। और ये आप सब देख सकते हैं, मेरे मंदिर का कुछ इस तरह से लुक है, ऐसे सजाया है मैंने। ये मोर खरीद के लाई थी मैं, कितना सुंदर लग रहा है। सब तैयारी हो गई है, बस खाली मुझे तैयार होना है। मैं नहा वहा चुकी हूँ, बस खाली तैयार होना है। और बज गए हैं 5:30, तो मैं अभी फटाक से कपड़ा पहन लेती हूँ, क्योंकि और भी काम थोड़ा सा बाकी है। कपड़े पहन के फिर उसके बाद वो काम मैं निपटा लूँगी। तुहारे सर लोग बोलना ना चाहिए तो बाहर हैं? तुहारे सर लोग ना आवत हैं? हाँ नहीं, वॉइस कॉल जा रहा है। अंडावा भाई दूसरे फोन से बना रहा अरे हबीब जी भी आ रहे हैं। अरे चलिए आगे ले वो मागिस नहीं। हाँ रुका, वीडियो काट काट के लगाया। तब फिल्मिया क्या है चली तब अच्छा। का फोन तो धोखा मत ले खड़ा बस कि तो कहे में डांसो करावेगा। एकदम ये देखिए गाइस, तो अभी हमारे फोन का पूजा हो रहा है। या बाबा
आदमी आना चाहिए का मैं ना भीगे भीगे जाए तो ठेउर फिर से मत ना रहो पर अब देखे सड़ गया ए सिमू सिमू बैठा कहाँ जा रही तो दोस्तों हमारा पूजा पाठ ख़त्म हो गया था और बाकी ये लोग आए थे सुपरवाइज़र हैं हमारे स्टाफ के तो सर से मिलने आए थे सब लोग और सबके लिए मैंने तला था ये मकई का आटा है जो है नमकीन जैसा होता है कुछ तो उसको मैंने तला था और मिठाई वगैरह ला के दी थी सब लोग खा रहे थे इंजॉय कर रहे थे और हमको पटाखे फोड़ने थे और ये बाबू है ना मेरा केक भी ले आया था ये इस खुशी में केक लेके आया था ये मोबाइल ख़रीदा है नया तो उसी खुशी में सबको पार्टी दिया था तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्प्राइट भी है और केक भी है तो सब लोग अब पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं और ये वीडियो यहीं तक और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय पटाखे वाली वीडियो